कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली भी है। अगर आपको गहरी खाई में कूदना है तो या तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। तो कुंडलिनी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, ये कुंडलिनी है। आप सतर्क हैं और सुन रहे हैं। अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं, That is Kundalini. ये कुंडलिनी है। एक फूल खिल रहा है, वो कुंडलिनी है। एक कुत्ता भौंक रहा है, वो भी कुंडलिनी है। या दूसरे शब्दों में, अस्तित्व की मौलिक जीवन शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं। अब सिस्टम के भीतर, मानव प्रणाली के भीतर, अगर आप इसे एक तरह के जीवन पैकेज के रूप में देखें तो ये जीवन का एक टुकड़ा है। जीवन का ये टुकड़ा एक खास तरीके से इस ऊर्जा की परतों के साथ पैक किया गया है। ऊर्जा का एक आयाम तुरंत जीवित हो जाता है क्योंकि ये आपके अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। ऊर्जा के अन्य आयाम तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते, जब तक आप उनके बारे में जागरूक नहीं हैं और उन्हें एक खास तरीके से सक्रिय नहीं करते, तब तक वे अस्तित्व में नहीं आते, वे शांत रहते हैं। निष्क्रिय ऊर्जा उस ऊर्जा से बहुत बड़ी है जो अभी उपयोग में है। अपना जीवन चलाने के लिए, एक भौतिक जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए, एक पूर्ण भौतिक और बौद्धिक जीवन जीने के लिए आपको चक्रों में से बस 21 चक्रों को सक्रिय करना जरूरी है। इन 114 में से अगर 21 सक्रिय हैं तो आप पूरा जीवन जिएंगे। आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे। आप एक पूरा भौतिक जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता हैं, लेकिन आप केवल 21 हैं, जो कि 21% से कम है 114 में से, 20% से कम। 20% से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन महसूस करेंगे। जीवन का बाकी प्रतिशत वो किस बारे में है? अगर आपका इरादा सिर्फ अच्छे से जीने का है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे। एक बात यह है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं? सवाल यह नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीजें आपके जीवन में आए पर आप उनके लिए तैयार न हो तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके अनुभव में यह अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ आपके पास तब आया जब आप उसके लिए तैयार नहीं थे, है कि नहीं? अगर ये सबसे बड़ी चीज हो तो भी, शायद ये सबसे बड़ी चीज हो पर ये तब आई जब आप तैयार नहीं थे, तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना? तो क्या आप तैयार हैं? ये पहला सवाल है। अगर आप तैयार हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई कई तरीके, लेकिन कुंडलिनी योग, कुंडलिनी योग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भी है। सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है अगर गलत तरीके से किया जाए तो। अभी दुनिया में कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं। बिजली को भी कई अलग अलग तरीकों से पैदा किया जा रहा है। एक तरीका है कि हम इसे परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से करते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक तरीका भी है। जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे गंभीरता से गलत हो जाती हैं। जब चीजें सही होती हैं तो ये दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन करने का वाकई सबसे आसान और अच्छा तरीका है, परमाणु ऊर्जा। लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो ये वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते। कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है। ये सबसे शक्तिशाली है पर यह सबसे खतरनाक है। जरूरी तैयारी और मार्गदर्शन के बिना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, निरंतर मार्गदर्शन और देखरेख के बिना किसी को कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। पर समस्या ये है कि इस पर किताबें लिखी गई हैं और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं। कोई भी ए से शुरू नहीं करना चाहता, सब जी के साथ वर्णमाला शुरू करना चाहते हैं। ये रवैया अपने आप में ही खतरनाक है। जो शक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकती है वो जीवन का विनाश कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि जरूरी प्रतिबद्धता, समर्पण, ध्यान और समझ के बिना इसे किया जा रहा है। कुंडलिनी ऊपर उठने से, अगर कुंडलिनी ऊपर उठती है तो आपके जीवन के आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे
कि आपको बाहर भी जल्दी बदलाव लाने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना चीजें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी। शास्त्रीय यौगिक परंपराओं में हम पारिवारिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को एक प्रकार का योग सिखाते हैं। एक अन्य प्रकार का योग है जो हम तपस्वियों को सिखाते हैं। ईशा में हमारे पास दोनों रूप हैं। हमारे पास तप योग है और सामान्य योग भी है। हम आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएंगे। ये योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसमें अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी जो आप अपने सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तरह का योग करते हैं तो यह आपके बाहरी जीवन को तुरंत तोड़ फोड़ देगा। अब ये योग आपके जीवन में जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। जब जीवन बेहतर होता है, जब चीजें बेहतर होती हैं, आप अधिक पैसा कमाते हैं, आपका बिजनेस बेहतर हो रहा है, आपका पेशा बेहतर हो रहा है। आमतौर पर दुर्भाग्य से परम की तलाश करने की आपकी लालसा धीमी हो जाती है। हाँ, तो वास्तविक अर्थों में ये तरीका अच्छा नहीं है, पर यह आज की दुनिया में काम करने का एकमात्र तरीका है, और ये एकमात्र तरीका है जो अधिकांश लोगों के लिए कारगर होता है। बहुत कम लोगों के लिए हम इसे अन्य तरीकों से कर सकते हैं। हम इन सभी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं और बस बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम कर सकते हैं, पर यह उनके आसपास के सभी सामाजिक ढांचों को खत्म कर देगा जो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये विभिन्न आयाम है। अगर कुंडलिनी योग का अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कुंडलिनी योग नहीं कर सकते, वरना कुंडलिनी योग के नाम पर आप कुछ सरल कर रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है। अचानक अभ्यास के दो दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। क्या हम कुंडलिनी ऊंचा उठा सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि मददगार माहौल बनाया जाए ताकि ये धीरे धीरे बढ़े। दूसरा तरीका इसे इस तरह भड़काना है कि ये जल्दी से बढ़ जाए। अगर ये जल्दी से बढ़ जाती है तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ती है तो बदलाव धीरे धीरे होगा। आप समय के साथ बदलाव संभाल पाएंगे, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे चीजें बिखर रही हैं। तो ऐसा करने के अलग अलग तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैं सभी तरीके नहीं बताऊंगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं। मूल रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं जिनसे आप इसे अपना सकते हैं। आधार से के लिए आपको ढांचे को जानना होगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। इन 114 चक्रों में से 7 ऐसे हैं जिन्हें हम 7 आयामों के रूप में पहचानते हैं। इनमें से 6 शरीर के भीतर हैं, 1 भौतिक शरीर के बाहर है। इसलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं तो आप 6 चक्रों को संभाल लेंगे। सातवें को आप संभाल नहीं सकते। 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आगना कहते हैं। लेकिन आगना से सहस्त्रार तक कोई रास्ता नहीं है। इसका कोई तरीका नहीं है। आपको बस एक खाई में कूदना है। अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति कूदो कहता है और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है, लेकिन जब वो जंप कहता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। आप बस एक बिना तल के गड्ढे में कूद जाते हैं। तो मूलाधार से आगना तक की यात्रा, वहां पहुंचने के 112 रास्ते हैं, पर वहां से वहां तक कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक छलांग है। वो विश्वास में, भक्ति में या पागलपन में हो सकता है। चुनना आपको है।